अपने हथनों उठाऊं। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते। परमेश्वर आपने कहा जहां दो जहां तीन है वहां पे मैं मौजूद हूं। आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर हम थैंक्स करते हैं। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। यस परमेश्वर, तू आज भी जानता है परमेश्वर हमारी जरूरत को। जितने लोग आज भी परमेश्वर अपना कीमती सामान निकाल कर आए तेरे घर में, तेरे पास आए परमेश्वर, तू निश्चय निश्चय परमेश्वर उन्हें भी स्वर्ग से प्रतिफल दे चुका है, क्योंकि तू हृदयों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर, हर एक के मन को जानता है, हर एक की परेशानी को, बोझ को, तकलीफ को, हर बात को तू जानता है। और निश्चय परमेश्वर आज भी तो अपनी महिमा स्वर्ग से प्रकट कर चुके हो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप इनसे बात कर चुके हो, यस खुदा। और आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए, और कोई अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी से जीवित वचन न चराए। यस पिता, जितना वचन सुने ये बुद्धि और समझ में जाए, ताकि ये सुनकर फल लेकर आए तेरे जीवित और पवित्र नाम से। आमीन, हालेलुया। तो अभी एक असी वचन देखांगे, है ना, जिवें ऑफिसियों दी पत्री, हाँ, तो 4:1 पढ़ना। ऑफिसियों 4:1 तो पढ़ांगे असी, हाँ। तो ठीक है, किवें लिखिया, इसलिए मैं जो प्रभु का बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। क्या चलो, पौलुस क्या कहना, जिस बुलाहट से, मैं सब तो पहला कहता हूं मैं प्रभु दा की है, बंदी मतलब कैदी है, किया मैं प्रभु दा, ओदे सुसमाचार दा मैं कैदी है। ते जिस बुलाहट दे नाल तुसी बुलाए गए हो, कहता उसके योग्य चाल चलो। क्या चलो, उसके किसके योग्य चाल चलो, है ना। क्योंकि ना जिवें लिखा, साड़ी योग्यता साड़े तो नहीं है, साड़ी योग्यता कितों है, क्योंकि जीवन जो सानू मिलिया ये साड़ी कर्म जा भक्ति नाल नहीं है, जा किसी कोई अच्छे कर्म असी कीते ने फिर की यह जीवन सानू मिले है। किन्हां नूं समझ आ रही है, ये साढ़े कोई अच्छे कर्म नहीं है, एक परमेश्वर की बुलाहट आ। क्यों लिखिया, अगर असी इफिसियों 1:4 पढ़िए इसे दी, है ना, तो यदि 1:4 च लिखिया, जैसा उसने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया, उसमें मतलब एक स्वर नाम शब्द है, उसमें मतलब यीशु में, उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही, उसमें मतलब मसीह में तुम्हें चुन लिया। क्या कर लिया बोलो, जगत की उत्पत्ति तो भी बनाने तो पहला भी चुन लिया। क्यों लिखिया, मां दी गर्भ तो रचन तो पहला तो मैं तेरे ते चित लगाया। कितनी बड़ी गल है, बोलो की है। इसलिए प्रभु ने कहा, जब तक मेरा पिता किसी नूं बुलांदा नहीं है तब तक कोई मेरे कोल आ नहीं सकता। जब तक मेरा पिता बुलांदा नहीं किसी नूं, कोई भी मेरे कोल आ नहीं सकता। समझ आ रही, तो एक बहुत बड़ी की है ना साडे लई, एक बहुत बड़ी साडे लई एक खुशखबरी है, मतलब इदा कि असी कुछ भी नहीं किया और ये जीवन ये आशीष बरकत सब कुछ परमेश्वर की दया दे नाल जो ने साडे नाल प्रेम किया ते सानू जीवन मिल गया। असी तो खाली सिर्फ की किया, विश्वास किया ना, की किया असी, असी तो खाली विश्वास किया, सिर्फ असी किया कुछ नहीं, हाँ, संसार का ज्ञान है। रब नू पाण दे लई, परमात्मा नू पाण दे लई लोग की करते नहीं, बोलो की है, लोग परमात्मा नूं पाण दे लई इस दुनिया च की करते नहीं। संसार का ज्ञान आ, बाबा फरीद जी ने
परमात्मा नु पान ले लिखे अपनी सारी उम्र, बोलो की है? सारी उम्र लगाती लिखे हूं। मैनू रियालिटी का तो नहीं पता, पर मैं संसार चो ज्ञान सुनिया कि एक समय बाबा फरीद खूह विच संगल पा के लटकिया से, बोलो की सी? ते एक भेड़ा नू बकरियां नू चारन वाला अजाड़ी आया और उन्हें पूछा, भाई तू क्यों लमकिया? तो वह कहता, चल चल तेनू नहीं पता। किया बोलो? चल चल तेनू पता, तू अपना काम कर। वो थोड़ा जिद च आ गया, कहता नहीं नहीं मैंने दसो दसो क्यों लमकिया तू? कहता मैं परमात्मा नू पाउण दे लई लमकिया। बोलो की आ? मैं किनू पाउण दे लई लमकिया? वो खूह विच पुट्ठा एवें संगल पा के लमकिया सी। किनू पाउण लई मैं लमकिया? उस परमेश्वर नू, है ना? क्योंकि तुसी ये ज्ञान चो सुनिया ना कि, है ना, फरीद जी ने लास्ट जदों जवानी दे वेले ते उन्होंने परमात्मा नू पाउण दी होंद अपने अंदर बना ली। जवानी दे वेले एक अच्छी फैमिली दा सी, अगर सी उहदे बैकग्राउंड नू इवें लोग ज्ञान संसार दा दसदे ने कि उह यंग सी, कच्ची फैमिली तो सी, सिर्फ उहदे अंदर एक उतेजना पैदा हो गई, मैं किनू पाणा, पर किवें पा रहा सी ना एक अपने तरीके नाल। तो जवानी तो बुढ़ापे च चला गया, उहदा मास, है ना, रोटी भी नहीं खाण नू मिलिया, सही खाण पीण नहीं मिलिया, करंक दी तरह पूरा बुढ़ापे दी अवस्था चले गया, है ना। एक बहुत सारा लोगों ने तस्वीर फोटोआं दे उत्ते एक श्लोक लिखिया हुंदा सी ना, लोगों ने बहुत सारिया ने फोटोआं ते देखिया ना, बाबा फरीद कहिंदा कि मैं कागा करंक कर टंडोलियो सगली खायो मांस, है ना, मेरे दो नैन मत निकालियो मुझे अभी भी पिया देखन की। कहिंदा मैं सारा जग ढूंढ लिया है, मेरा जिहड़ा शरीर है वह करंक बन गया है, किन्नू पाण दे ली। कहिंदा मैं सारा जग ढूंढ लिया किन्नू पाण दे ली। तो एक कौआ, वो एक जिवें कोई चीज़ पई है ना, कोई मरिया बराबर समान कोई पता नहीं की पिया, तो कौआ देखिया इहदे च कोई जान नहीं, हिल जुल नहीं रहा, तो उन्हें चुंझ मारन की कोशिश की होगी। तद उन्हें यह गल कही कि मेरे नैन नहीं निकालने, मेरे नैन, मेरी अखा नहीं लैनिया, मास भावें की कर ला, मेरा शरीर तू खा ला, मैनू किहदी देखण दी आस, पर तुहानू की मिल गया? सौखा मिल गया। की मिल गया? बोलो। कदी कदी जिहड़ी चीज़ आसानी दे नाल मिल जाती है, की मिल जाती? बोलो। आसानी नाल मिल गई ना, अगर तुसीं इसे एफिसियों दी 2:8 पढ़ना कि लिखिया है, एफिसियों 2:8, हाँ, तो अभी इतनी लिखिया कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का यह दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना कोई घमंड करे। बोलो क्या करे? कर्मों के कारण नहीं, ऐसा कि कोई घमंड करे। लिखा क्योंकि विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, कहदे नाल होया? विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन लिखा परमेश्वर का दान है, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो को घमंड करे, है ना। मतलब एवं ना वो सोचे कि मैं तो बहुत चंगे कर्म किए ना, इसलिए कि मिल गया मैनू ये जीवन मिले। लिखा विश्वास ही से उद्धार हुआ, कर्मां दे कारण नहीं कि तुसी बड़े चंगे कर्म किए तो तुहाडे अंदर घमंड आ जाएगा फिर, नहीं तो मैं तो कभी कोई पाप ही नहीं किया, मैं तो कुछ गलत ही नहीं किया, मैं तो अजहां कोई काम ही नहीं किया, तो मैनू की मिल गया? ये जीवन मिले तद मैनू मिलया, इसलिए नहीं मिलया। लिखा बोलो की है? ये साढ़े कर्मां दे कारण नहीं है, लिखा कोई नहीं तो तुसी घमंड करोगे, इसलिए परमेश्वर मनुष्य नू घमंड करन दी जगह दिंदा ही नहीं।
समझ आ रही है? इसलिए पौलुस कहता कि मैं प्रभु दा की हाँ बंदी हाँ कैदी हाँ सुसमाचार का जिस तुसी बुलाए गए हो, पर तुसी अपनी अपनी बुलाहट दे योग्य चाल चलो जिमें कौन चाहता है, जिमें कि इच्छा कि तुसी किवें चलो। बोलो प्रभु की इच्छा कि तुसी केड़ी चाल चलो, है ना। दाऊद भी कहता क्या ही धन्य है जो मन के खरे हैं, दीन और खरे हैं। समझ आ रही? तो इसलिए आज हर एक ने उस चीज उत्ते ध्यान देना है। बोलो की है? क्योंकि जीवन साड़ी योग्यता दे नाल नहीं मिलिया। बोलो साड़ी योग्यता दे नाल, यह परमेश्वर की बख्शिश है, दी दया उदा प्रेम है जो ताडे नाल उहने कीता। बोलो जो ताडे नाल उहने कीता है। अब तुहाडी वारी है। बोलो की अज हुण ताडी वारी है कि हुण तुसी करो, तुसी करके दिखाओ। की दिखाओ? बोलो तुसी करके दिखाना उहदी हर इच्छा नूं। जिवें शमसी ने कहा मैनूं बहुत सारे प्रभु प्रभु ते करदे ने, पर मेरी जो स्वर्गीय पिता की मर्जी उन्हें पूरा नहीं करती। स्वर्गीय पिता की मर्जी की है असी जानते हैं। की है स्वर्गीय पिता की मर्जी? की चाहता परमेश्वर ताडे तो? की चाहता अगर उन्हें तुम बुलाया तो? अगर तुम बुलाया तो परमेश्वर की चाहता? हाँ, एक तो तुम एक अच्छा जीवन देना चाहता है ना। बोलो की है? और एक वो चाहता है कि अगर मैं तेनू बचाया है तो तू होरानू की कर बचा, होरानू भी की कर दस, कि सुसमाचार दस, क्योंकि मैं तेनू बचाया तू अब दूसरियानू की कर बचा। तो असी की करना हूँ, है ना, असी दूसरियां दे लिए भी की करनी है, प्रार्थना करनी है। इसलिए कहिंदा उसकी योग्य चाल चलो, तो तुसी फल लेके आना। किदे योग्य फल लेके आना? हाँ, इसलिए शमसी ने कहा कि मैं सच्ची दाखलत आया। बोलो कि मैं सच्ची दाखलत आया और तुसी की हो अंगूर दियाँ। ऐसा पंजाबी दे वचन च लिखा मैं दाखलत हाँ मतलब अंगूर दियाँ, वेल दी तरह तुसी की हो टाणियाँ, और जो जो टाणी जुड़ी और बनी रहिंदी मैं उन्हें छांगदा ताकि और फले। तो किदियाँ गल्लां च बने रहना और जुड़े रहना है? शैतान कोशिश करता है तुहाडे मन नू खराब करन दी, अगे पिछे करन दी। हाँ, तुहाडे मन नू खराब करेगा, कई चीज़ां च तुहानू अगे पिछे करेगा, कई चीज़ां तुहानू नैगटिव करेगा, कदी कदी तुहानू कलीसिया दे मैंबरां च नैगटिव कर देगा, ऐदां वी करेगा। पर तुसीं आत्मिक हो तो तुसीं फिर नैगटिव नहीं होगे। जो परमेश्वर चाहता फिर तुम यूँ करोगे। बोलो कि करोगे? तुम किसी भी गल च नैगटिव नहीं होगे, तुम मनुष्य दी नहीं, फिर कि सुन के कि इच्छा नु पूरा करोगे? कि इच्छा नु पूरा करोगे? परमेश्वर इच्छा नु पूरा करोगे। समझ आ रही? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा की है ना सारा जगत बचाया जाए और सच नु जान लवे, ये परमेश्वर की चाहत है। हाँ, तो अज असी भी की करना उदे सच नूं जानण दे लई और उदे विच मन लगाना, है ना। जिवें यीशु मसीह ने इस जीवन दे लई कहा चिंता नहीं करनी कि खाओ पियो पहनो। हाँ, इस जीवन की चिंता नहीं करनी कि तुहानूं चाहीदा है, है ना। आकाश के पंक्षियों देखो कहिंदा ना बीज देना वढ़ देने, फिर भी तो उन्होंने नालों मुल की है तुहाडा, वध के आ कि कट के? हाँ, वध के है ना। तो यीशु मसीह ने कहा अगर परमेश्वर उन्होंने दे रहा तो तुहाडा मुल की है, उन्होंने नालों वध के है, पर तुसी सब तो पहला की करो? की करो? उहदी राजी और सच्चाई दी की करो, खोज करो। की करो? बोलो। और कौन खोज करता है? जो बुद्धिमान है। बोलो की है? इसलिए लिखिया कि जिहड़ी बुद्धि है वह सोने ते चांदी नालों भी, हाँ, हीरे नालों भी की है अनमोल है। बोलो की है?
सुलेमान नु जो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि दी कहिंदा जिन्निया वस्तुआं दी तू लालसा करदा है अपने जीवन च उस बुद्धि दे तुल कोई भी नहीं है। जिन्निया वस्तुआं दी तू लालसा करदा अपने जीवन च समझ आ रही है किन्नियां नू आ रही है? कुछ लोग थले नू फेस करके को सुनते ने, हाँ थले नू फेस करके सुन रहे कि ठीक नहीं लग रहा, हाँ कहिंदा जिन्नियां वस्तुआं दी तू लालसा करदा उस बुद्धि दे तुले कोई नहीं, ना सोना ना चांदी है ना ना हीरे उहदे तुले कोई नहीं, क्योंकि बुद्धि एक ऐसी चीज है अगर तुहाडे कोल है, बोलो की है, अगर वह बुद्धि तुहाडे कोल है तो तुसी किहदी मर्जी नूं पूरा करो, है ना। सुलेमान जो तो बुलाया गया तो परमेश्वर ने क्या मंग की मंगना, तूने दुनिया की कोई चीज मंगी, सब तो पहला की मंगया, दीन कीता के पर की किया परमेश्वर ने, तू पहला ही मैनू अपने पिता दाऊद की गद्दी ते बिठाया है, की किया मैनू पहला ही अपने पिता दाऊद की गद्दी ते बिठाया है, अब अगर है ना इस प्रजा नू दे न्याओं दे ली मैनू देना तो की दे दे, बुद्धि दे दे, कि दे दे इस प्रजा के न्याओं के लिए कि दे मैनू बुद्धि दे, बुद्धि बोलो की कर इस प्रजा के न्याओं के लिए कि दे दे मैनू बुद्धि दे, बुद्धि अगर तुहाडे कोल बुद्धि है ना जिवें उन्हें मंगी तो असीं जानते हैं कि अगर उन्हें मंगी तो परमेश्वर ने कहा ना तू अपने शत्रुओं का नाश मंगिया, ना कोई धन ना दौलत मंगी है, तू सिर्फ एक बुद्धि मंगी मैं वो तेनू देवांगा पर नाल दी नाल तेनू की देवांगा दुनिया का ऐशो वैभव आराम सब कुछ भी की करांगा। और लिखे सुलेमान नू प्रभु ने इन्ना ज्यादा दिता, बोलो की हाँ इन्ना ज्यादा दिता कि उन्होंने कहा कि ना तेरे वर्गा राजा होएगा तो ना कदी आएगा, इन्ना ज्यादा दे, हाँ समझ आ रही। तो अज भी परमेश्वर जिवें असी सोचते हैं मंगते हैं अफिसियों तीन दे विच लिखिया साडे सोचण ते मंगण तो भी की करता, अत वधीक करता, जो असी सोचते हैं ना अपने अपने जीवन च सारे सोचते हैं, हर एक चीज लिए सोचते हैं, हर बंदा अपने अपने जीवन के कम लिए सोचता है, अपनी प्रॉब्लम अपनी समस्या पैसों को लैके बच्चों को लैके अपनी बीमारी नू हालात नू प्रॉब्लम नू कई चीज़ों लिए सोचता है, जिवें तुसी सोचते हो इवें कौन सोचता है, तुसी सोचते हो ना अपने जीवन दे लिए तो तुहाडे लिए कौन सोचता है, सोचता है ना, तो जो परमेश्वर लिखिया सोचा सोचता साडे लिए की सोचता है, हाँ वो कड़ियाँ सोचा सोचता है, हानि दियाँ के लाभ दियाँ, हानि दियां सोचा सोचता कि लाभ दी सोचता, लाभ लई सोचता, परमेश्वर साडे जीवन दे लाभ दे लई सोचता, पर वो चाहुंदा कि तुसी उस चीज नूं जो मैं तुहानूं देना चाहुंदा उहदे विच की बनो, सिद्ध बनो, सिद्ध की बनो बोलो, जिवें अब्राहम दे नाल वादा कीता मैं तैनूं की देवांगा बोलो, संतान मतलब बेटा देवांगा बच्चा देवांगा, उहदे है नहीं सी दुनिया की संपत्ति धन दौलत तो सारा कुछ सी पर औलाद नहीं सी है, बोलो की है परमेश्वर कहा देवांगा, बल्कि अब्राहम के जीवन च भी किन्ने साल गुजर गए, किन्ने साल गुजरे 24 साल, और 24 साल बाद भी परमेश्वर ने की आके कहा हे अब्राहम मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ, मेरी उपस्थिति चल ते की हो सिद्ध हो, 24 साल बाद भी आके है ना। देखो क्यों कहिंदा बोलस मैं प्रभु दा बंदी हाँ कैदी हाँ, कि बोलो कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसकी योग्य चाल चलो, क्या चलो उसके योग्य चाल चलो। अब अब्राहम दे जीवन च अगर
वो योग्य चाल चलता, क्योंकि अब्राहम जो परमेश्वर ने कहा तो कई सारिया चीजा शरीर दिया चीजा कर लगा। किड़िया चीजा कर लग पाया? कभी अपनी पत्नी दे सारा दे आखे लग के कुछ परमेश्वर ने कहा सी उन्हें भुल के ते उहदी आगे आखे लग के कुछ अजाहा कुछ कर रहा सी। हाँ बोलो की सी? तो इदा दिया उशरी दिया चीजा कुछ कर रहा सी, करदे 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 उन्हें अपने किन्ने साल खराब कर ले? 24 साल। इसी तरह कभी कभी असी समझ नहीं पाते परमेश्वर की चाहता है। बोलो कि परमेश्वर की चाहता है, है ना? मैं भी लगातार इस गल रोज परमेश्वर के नाल गल करता हूं, तुहाडी की इच्छा है, तुसी की चाहते हो, तो जिवें परमेश्वर किस चीज़ तो खुश होंदा है, है ना? बोलो की है? तो तुसी अपने मन की गल कि गल कर सकते, है ना? तो तुसी कह सकते हो कि कह सकते हो, तुसी किन्नू कह सकते हो? तुसी बोल सकते हो, कह सकते कि नहीं कह सकते? जो भी तुहानूं औखा लग रहा है, तुहाडी समझ च नहीं आ रहा, मैं जा तो रही हाँ, जा तो रहा हाँ, पर यह हो क्यों नहीं रहा? बोलो कि यह हो क्यों नहीं रहा? पर उहदे लई की करना है? परमेश्वर तुहाडी की मर्जी है, यीशु मसीह ने किहदी मर्जी ने पूरा किया? हाँ किहदी मर्जी ने पूरा किया, है ना? तो लिखिया कि है ना क्रूस उत्ते अपने जीवन देन तक भी की रहे वफादार रहे कि नाल? हाँ वफादार रहे ना। इसी लिखिया उन्हों केड़ा पद मिल गया, केड़ा स्थान मिल गया, केड़ी जगह मिल गई, क्योंकि उन्हें किसी मर्जी ने पूरा किया। अज असी में सारे ने किसी मर्जी ने पूरा करना, क्योंकि देखो शैतान बड़ा शातर है। बोलो की है? वह हमेशा देखना तुहानू छोटी छोटी गल च तुहानू निराशा च रखता, निराशा च छोटी छोटी गल च, छोटी छोटी गल च हमेशा तुहाडे मन च ही गल्लां चलदियां रहणगियां, चलदियां रहणगियां, चलदियां रहण। जबकि परमेश्वर ने कहा अपनी सारी चिंता की करो, की करो? बोलो मेरे उत्ते सुट्टो। पर प्रैक्टिकल लाइफ जब तक असी नहीं प्रैक्टिकल जब तक असी नहीं करांगे तद तक कुछ नहीं आना। तो इसी बैठना आना सुनिया चले जाना, आए बैठे सुने गए, आए बैठे सुने गए, क्योंकि जो सुनिया उन्हें प्रैक्टिकल करना। जे मैं तुम्हें एक गवाही दिना ना, ना कानपुर दी, बोलोगे देना? वो जो पनेवा सी वह प्रभु दे विच आ गया, उहदी मौसी सी, तो मौसी का उहदी भैण का बेटा पनेवा ही लगना। हाँ तो जो आ गया तो यह सुसमाचार वह दिंदा सी, यीशु मसीह के बारे दसदा सी कि मासी तो इवें जान लो, है ना? क्योंकि मासी नूं प्रॉब्लम सी। बोलो की सी? मासी के पैर के उपर एक जख्म सी, किसी बोलो मासी के पैर ते जख्म सी, जख्म तो जख्म बड़ा धीरे धीरे वध रहा सी, ते वह जदों भी जाता सी ते उदों ही वह सुसमाचार दिंदा सी तुसीं आ जाओ, वह आ जाओ, पर उन्होंने लगता सी ये एक धर्म आ, ये इदा आ, उदा आ। हाँ तो की होया कि किन्नी देर तो उन्हें नहीं मनी, पर एक दिन उदा जेड़ा हालात सी वह वध गया। कि वध गया? नौबत आ गई कि उदा जेड़ा इनफेक्शन के कारण, जेड़े जख्म के कारण उदा जेड़ा पैर, जो पैर च खून है ना, उस सारा पानी बन चुका है इनफेक्शन के नाल। अब डॉक्टर ने कहा कि अब तुहाडा पैर की है कटना पैना। बोलो की है? तद उन्हों दी गल्लां याद आई, की आईया? बोलो दी गल्लां याद आई, और उन्हें की किया जितों का दसदा सी संगति, तो एक दिन चुप करके वो इस तरह संगति चलेगी, उन्होंने अपने पनेवे ने भी नहीं कॉल की, फोन नहीं किया कि मैं भी अज जाना,
बोलो कि गई तो लेट, हाँ, क्योंकि उन्हें पता नहीं सी कि टाइमिंग दा कितने बजे आना की करना, तो लेट आई। लेट आई तो पिछे आके बैठ गई, कि बैठ गई बोलो। तो कुछ लोग अपनी अपनिया गवाहियां दे रहे सी, कि दे रहे सी, कोई कह रहा सी मेरा आ हालात गया, मैं आ विश्वास किया, मेरी आ प्रॉब्लम गई, मेरी आ चीज की, मेरा ओ हालात, मेरे आ चीज, सब अपने अपनी गवाही दे रहे। और वो पिछे आके बड़े ध्यान दे नाल सुन रही सी। किदां सुन रही सी? परमेश्वर ने कहा ना, मेरी आवाज़ नूं चित ला के ते चौकसी नाल की कर, पूरा कर। पूरा करन दे लई परमेश्वर ने कहा, चित ला के ते चौकसी दे नाल की कर, पूरा कर। बड़े ध्यान नाल सुन रही सी। ऐता बोलो की है, संगति हुई, किसी नूं मिली नहीं, किसी नूं अगुए नूं नहीं, किसी नूं कोई टीम कुछ नहीं मिलिया, चुप करके अपने घर आ गई। क्या आ गई? तो जो कुछ उतों सुन के आई वह सारिया गलों नूं याद करन लग पी। की करन लग पी? बोलो। उन्हें सारिया गलों नूं याद करन लग पी कि अगर इस सच्चाई है, यीशु मसीह का सच्चा खुदा है, हाँ, ये पाप की बीमारी है, ये इदा हालात है, वो एक एक गवाही नूं याद करन लगी। तो उन्हें कहा, परमेश्वर जी सच्ची है, सच्चाई है, जे तू इन्या नूं कर सकदा है ठीक, तो मैनू भी की कर सकदा, मैनू भी की कर सकते, मेरा भी काम तुसी कर सकते। वो सारिया गवाइया याद कर लगी, तो क्या कि परमेश्वर अगर तू उन्हां दे करेगा, जे तू सच्चा खुदा, तो तू मेरा पैर भी की करेगा। कुछ ही दिन के अंदर वह पैर खुदा ने की करता से, और उस स्त्री का इन्ना मन खोल दिता खुदा ने, जिस नगर च जड़ी वो एक समय नफरत करती सी यीशु मसीह के नाम तो, की करती सी बोलो, नफरत करती सी। नफरत किन्ना उहदा पनेवा कह रहा सी जान ले, उन्हें कहा नहीं, ये अलग धर्म है, मैं नहीं जाना। हाँ, समझ आ रही है? तो एक समय नफरत सी उहदे प्रति मन च, और एक दिन जब प्रभु ने अपना चमत्कार दिखाया, उहदी है ना बुद्धि नूं खोलिया, उहदे मन नूं खोलिया, उस औरत ने उस क्षेत्र च उस नगर च पता नहीं किन्निया रूहां नूं बचाया, किन्निया लोगों नूं बचा लिया। कर लिया बोलो, किन्निया रूहां नूं बचाया। कदों ये हुंदा? जदों इंसान दा हिरदे मन प्रभु दे लई खुलदा, उहदा खुल गया। आ फल आया कि नहीं है? हां, अब उहदा मन खोल दिता परमेश्वर ने। देखो, किसे तो मैं दूर नहीं है, कि किसे तो दूर है, किसे तो दूर है, वो किसे तो दूर नहीं है, ते ना ही वह किसी का नाल पक्षपात करता है। बोलो कि ना ही वह किसी का पक्षपात करता, पर वो चाहता है। बोलो कि वो चाहता है कि मेरे लोग मेरी इच्छा नूं पूरा करन, है ना, और जिवें मैं चाहना उवें बन। जिवें लिखा कि है ना, कैन ने भी अपनी भेड़ चढ़ाई, हाबल ने भी चढ़ाई, पर स्वीकार किदी हुई? किदी हुई बोलो? हाबल दी। कैन दी क्यों नहीं है? क्योंकि चढ़ाई तो उन्हें भी सेम होता ही है, पर लिखे उन्हें राइट मन नाल, सही मन नाल नहीं दिती, इसलिए उन्हें ग्रहण नहीं हुई। वो भेटा जड़िया वो दे रहा सी, उन्हें राइट मन नाल, एक सही मन नाल नहीं दे रहा, इसलिए उन्हों ग्रहण भी, बोलो, उन्हों ग्रहण भी नहीं हुई। सो इसलिए आज राइट मन नाल, सही मन नाल, एक तो खुदा दे कोल आना, जो तुसी इत्थे आंदे हो, तो किदां दा मन लैके आना? बोलो की है? आज मैं सवेरे जो तो बाइबल पढ़ रहा सी, तो मैं दो अन्या दा एक स्टोरी पढ़ रहा सी, जिथे यीशु मसीह ने दो अन्या दी अखां खोल दित्तियां। की करतियां? बोलो, दो अन्या दी अखां खोल दित्तियां। खुलियां किदां? कि वो पिछे पिछे आ रहे सी, ते उच्ची उच्ची पुकार रहे सी, हे दाऊद दी संतान साढ़े की कर, दया कर, हे दाऊद दी संतान साढ़े। वो पिछे पिछे जा रहे, यीशु मसीह ने एक बार भी पिछे भौंके मुड़के नहीं देखिया कि कौन है ना, मतलब इन्हां नूं की चाहिए। परमेश्वर जानता है तुहानूं की चाहिए,
ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋਣ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਚੋਣਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਬੋਲੋ ਗਈ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਵੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮਚਾਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 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 ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਤੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲੋ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ 4,000 ਤੇ 5,000 ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਖਿਲਾਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ 5,000 ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਉਹ 5,000 ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੱਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੀ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 15 ਦੀ 38 ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਔਰ ਬਾਲਕੋਂ ਕੋ ਛੋੜ 4,000 ਥੇ
बोलोगे खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे, मतलब स्त्रियां और बच्चियां की गिनती नहीं है, यदि कि सब तो ज्यादा गिनती किन्ना दिंदी हर सगा थी। हाँ बोलो खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे, क्या थे बोलो 4000 पुरुष थे। और इस जगह थे जो यीशु मसीह ने चिन्ह दिखाया है, चमत्कार दिखाया कि दिखाया लोगों नू है ना, दो मच्छियां ते पंज रोटियां दे नाल की करता ना है ना, तो जो ये चमत्कार उन्हें देखिया तो बहुत की हुई। पर दोबारा जो यीशु मसीह नू ढूंढ रहे सी, लभ रहे सी, तो लभ रहे सी, तो कहते प्रभु तू कित्थे है, असीं तैनू लभ रहे सी। तो यीशु मसीह ने कहा तुसीं मैनू इसलिए लभ रहे सी कि रोटियां खा के तुत होए हो, कि खा के होए हो, इसलिए नाशवान भोजन दे लई परिश्रम नहीं, उस भोजन दे लई मेहनत करो जिहड़ा तुहानू अनंत जीवन देंदा। किहड़ा जीवन देंदा? नाशवान भोजन दे लई नहीं सर, चीजां तक नहीं, चीजां तक नहीं, उस भोजन दे लई मेहनत करो जो तुहानू अनंत जीवन देंदा। आमीन। तो देंदा है कि नहीं देंदा? हां अनंत जीवन मिलता उच्च कि नहीं मिलता? मिलता है ना। अगर मिलता है तो फिर तुसी की करो, की करो बोलो, किदी इच्छा नु पूरा करो, किदी इच्छा नु पूरा करो, क्योंकि वो सिर्फ लभ रहे सी कि चमत्कार दिखाया, जो कुछ भी यीशु मसीह ने सिखाया वो भुल गए कि की करन दे लई गया। तद यीशु मसीह ने यह गल कही है कि तुसी इसलिए बोलो की है, इसलिए मैनू लभ रहे हो कि तुसी रोटियां खा के तुत होए हो, इसलिए नाशवान भोजन लई नहीं, उस भोजन दे लई मेहनत करो जो तुहानू अनंत जीवन देंदा। किहड़ा जीवन देंदा बोलो? सदा दा जीवन। एक तो यह जीवन है बोलो की है जो पृथ्वी ते परमेश्वर ने तुहानू दिता, और यह भी जीवन तुहानू किवें दा दिता है आ तुहानू समझना पएगा। बोलो की है ये भी जीवन तुहानू किवें दा दिता प्रभु ने, है ना, जिवें पहला यूहन्ना नहीं सॉरी तीसरा यूहन्ना 1:2 च लिखिया परमेश्वर कहा हे प्रिये, किवें कहा सानू हे प्रिये मेरी, उत्थे लिखिया प्रार्थना शब्द, पर ओरिजिनल टेस्टमेंट का वचन है कि मेरी उत्तम चाहत, मेरी की है तेरे लिए उत्तम चाहत आ कि जिवें तू आत्मिक उन्नति करें तो सारिया गल्लां च की करें, बोलो की करें तू सब गल्लां च उन्नति करें। हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना मतलब मेरी ये उत्तम चाहत है कि जिवें तू आत्मिक उन्नति करें तो सबनी गल्लां उन्नति करें, तो तेरा शरीर भी की रवे, तो आप आत्मिक उन्नति किवें होएगी? बोलो आत्मिक उन्नति किवें होंदी है? हाँ किवें होंदी है? प्रार्थना करके, खुदा दे घर च आके वचन नूं जदों असीं सुणदे हां ते सुणदे नाल की हुंदा है, है ना, हर चीज़ां जो असीं आत्मिक चीज़ां करदे हां उहदे नाल की हुंदी साडी आत्मिक उन्नति, जो जो चीज़ां आत्मिक आ असीं प्रार्थना करदे हां, हजूरी च आने हां, वचन कर है ना सुणदे हां, अपने बीस नूं बोने हां, परमेश्वर की हर आख्या जो मानते हैं वह साड़ी आत्मिक उन्नति की है, साड़ी वो आत्मिक उन्नति है। अब ये उन्नति जो तुसी वधदे जाना कि घटते जाना, अगर तुसी कुलसियों 2:6 पढ़ोगे तो उत्थे लिखा जिवें तुसी यीशु मसीह नूं कबूल किया ग्रहण किया उहदे विच होर भी गिनते जाओ और भी अधिकता दिख, धन्यवाद करते हुए की करते जाओ वधते जाओ और जड़ पकड़ के बोलो कि जड़ पकड़ के उहदे विच और भी अधिकता अधिक धन्यवाद करते जाओ, क्या करते जाओ और भी अधिकता अधिक धन्यवाद करते जाओ, कटना नहीं है, परमेश्वर कटन दे लई नहीं कहिंदे, कदी कदी इंसान ढिल्ला पै जांदा ठंडा पै जांदा
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਕਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਈ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਸੋਚਾਂ, ਕਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਈ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਾਉਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਬੋਲੋ, ਉਦੋਂ ਡਾਉਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ? ਬੋਲੋ, ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 2021 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋਨਾ, ਮੇਬੀ 21 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, 2021 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਰੀਅਲ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਰੀਅਲ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਪਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਜੜ ਫੜਨੀ ਆ ਔਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਭਵਿੱਖਸ਼ਕਤਾ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਿਸ਼ਪ ਮਾਰ ਮਰੀ ਇਲੂਮਨਾਤੀ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਇਲੂਮਨਾਤੀ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਲੂਮਨਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸਲੀਪ ਸਲੂਪ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਇਸ ਇਲੂਮਨਾਤੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ, ਇਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ, ਇਲੂਮਨਾਤੀ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਨੇ? ਇਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੂਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਇਲੂਮਨਾਤੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸੈਚਰਡੇ, ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਮਨਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਨੈਗਟਿਵ ਆ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਯੇ ਵੋ, ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਨੈਗਟਿਵ। ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ
ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਇਲੂਮਨਾਤੀ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂ ਕੰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਬੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਕੀ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਅੱਲਿਆਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਰੇ ਮੈਂ ਯੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਵੋ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੌਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਇਹ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੂ ਮਨਾਤੀ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਅਭੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਬੋਲੋ? ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਫੈਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਨੈਗਟਿਵ ਕਰਨਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਕਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓ। ਕੀ ਜਾਓਗੇ ਬੋਲੋ? ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੂ ਮਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਭੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਾਸਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਔਰ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਆ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ ਉਹ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੋਲੋ ਕਿ ਬੜਾ, ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੋਲੇ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਬਣੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚੁਸਤ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਦੀ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲੋ? ਨਦੀ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆ ਸਾਰੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ, ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੂਫਾਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ।
पर जदों एक चेले ने जदों उठाया तो यीशु मसीह ने जदों उठे तो तूफान नूं देखिया तो डांटिया गया है ना, इदां तूफान नूं किया शांत हो जाते की हो गया, बोलो की हो गया, शांत हो गया, तूफान भी शांत हो गया। तद यीशु मसीह ने चेलिया नूं झिड़किया डांटिया कि मैं तुहानूं सारा कुछ सिखाया सी, तुहाडा विश्वास कित्थे सी, बोलो कि तुहाडा विश्वास कित्थे सी उस समय। उन्होंने झिड़किया कि तुहाडा विश्वास कित्थे सी उस समय। इसे तरह कदी कदी असीं की हो जाने हैं ना, बोलो जदों कुछ एवें दीयां चीज़ां खड़ियां होंदियां ने तो असीं भुल जाने, बोलो क्यों, असीं भुल जाने, सारा कुछ भुल जाने, समझदे हो, पर भुलना नहीं है, परमेश्वर की हर गल नूं याद रखना, उहदी हर भलियाई नूं याद रखना, उहदे हर कम नूं चेते करना और वधना है, बोलो उहदे हर कम नूं चेते करना और की करना उच्च वधना है। प्रभु ने तुहानूं वधन दे लई कहा, घटन लई नहीं कहा, बोलो की कहा, तुहानूं तुहानूं वधन दे लई कहा। अज भी किन्ने लोग होणगे, बोलो की है, मुदल पिंड तो ने, बोलो की ने, जो कोई भी काम नहीं है, बोलो जिन्हां नूं कोई भी काम नहीं है। हो सकते कुछ अजिहे कई बड़िया सारिया प्रॉब्लम ने, पर वो अपनी सोच अपनी बुद्धि, चल कोई ना एतवार चलांगे, कि चलांगे एतवार ले हैंड होनी है, हाँ क्यों ना या एतवार ले हैंड होनी है, चल एतवार ही चल जाएंगे। अगर फ्री है, जो तो कम कर रहे हैं, जो बिजी है, ठीक है, वो तो है ना, उदली तो जायज है, बोलो कि उदली उदली तो जायज है। पर जो फ्री है, कुछ लोग देखो ताडे चो बैठे ने जो कम करके भी अपना पहुंचते ने, एक कौन ने जेडे धार्मिकता दे भुखे ने, बोलो कि जेडे धार्मिकता दे भुखे ने, भुखे ने। यीशु मसीह ने कहा वो तृप्त जिन्हां नूं भुख है उन्हां नूं कोई कमी नहीं, जिन्हां नूं धार्मिकता दी भुख है ना उन्हां नूं कोई कमी नहीं जी, समझदे हो। सो इसलिए इस समा जिहड़ा आ आन वाला और भी की आ, समझदे हो, पर जो लोग है ना, बोलो की रहनगे, जो यीशु मसीह ने कहा सी कि चेलियां नूं तुसी प्रार्थना करदे रहना, तुसी किच ना पियो, हाँ परीक्षा च हालात च ना पियो, तुसी करदे रहो। एक कदों उन्हें कहा सी, बोलो कि क्या, जदों यीशु मसीह ने गतसमनी बाग दे विच सी, जदों फड़वाए जाण दा समा सी, बोलो की सी, कि तुसी परीक्षा च ना पो, क्योंकि वह पै गए। क्यों नूं कहा सी इदां, क्योंकि जदों यीशु मसीह नूं फड़ लिया कि गल आ, बोलो, तो सारे चेले की हो गए सी, भज गए सी, भज गए ही ना, भज गए कि नहीं है। अज जो प्रेर वाला एक रियल, अगर सच्चा क्रिश्चन एक सच्चा मसीह नहीं है, कल मान लो इत्थे कोई भी गल हुंदी है तो मैनू भी तुसी छड्ड के भज जाओगे, कि जाओगे, बोलो तो छड़ जाओगे, अपनी जान बचाने की कोशिश करो, ताड़ी चलो भजो छो, है ना। इसलिए क्यों यीशु मसीह ने इदा कहा सी, उन्होंने फड़वाए जाने के समय कहा सी प्रार्थना करते रहो, तुसी परीक्षा च ना पियो, क्योंकि वह परीक्षा यीशु मसीह के लिए नहीं सी, वह उन्होंने लिए कह रहा सी, कि बोलो कह रहे सी, क्योंकि सब तित्तर बित्तर हो गए, सब भज गए, बोलो कि हो गए, सब भज के छड के। और एक समय जदों यीशु मसीह नूं फड़ लिया क्रूस उत्ते लटकाता तो डरदे मारे एक जगह एक कमरे च बंद सी, डर रहे सी कि सानू भी अगर यहूदियों नूं पता लग गया ना फड़ लेना उन्हें, सानू भी मार देना। और जो कुछ सिखाया सी वह भुल गए, उही है ना जकूब यूहन्ना वर्गे चेले जिहड़े एक समय यीशु मसीह नूं कहिंदे सानू आग्या दे कि दे
ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੰਗਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਬ ਡਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਕੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਸਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਜੋ 3.5 ਸਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲੋ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲਿਖਿਆ 3 ਵਾਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਤੀ, 3 ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੌਤ ਮਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬੋਲੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਐਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਕਰਤਾ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤਦ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਰੱਖੀ ਬੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ 'ਤੇ ਸੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਰਭ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਸੰਦੇਹ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸ਼ੱਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸੰਦੇਹ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਧ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ 'ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਸ਼ੱਕ, ਯੈਸ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਯੈਸ, ਖੁਦਾ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਧੰਨਵਾਦ 'ਚ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਰੋਜ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਲੁੱਕਾ 18 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਦਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਵੇਂ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,
क्योंकि लिखा यीशु मसीह ने क्या वेखो ये बे इंसाफ अधर्मी की कहता है जो ना मनुष्यों की परवाह करता है ना परमेश्वर की पर जो तुसी उहदे चुने हुए जी जो रात दिन की दे रहे हो दी जो रात दिन की दे रहे हो किन्ने टाइम प्रार्थना करते सारे कौन कौन किन्ने किन्ने टाइम प्रार्थना करता असी फॉर्म फॉर्म फिल किए ना जेडे तुहाडे लई तो बच्चों ने वर्क शुरू किया है कि किया बोलो बच्चों ने अभी स्टार्ट आ तो मैं इन्होंने कहा तुसी सब का डाटा लिखना शुरू करो अब पूछा जा रहा तुसी की कर रहे हो किदा शास कर रहे हो किन्ना प्रार्थना कर रहे हो कोई कहिंदे जी असी पौना घंटा सवेरे करते हैं अद्धा घंटा सवेरे करते हैं बस इको टाइम ही होंगी प्रेयर टाइम नहीं लगता फिर इदा जी फिर उदा बोलो की है समझ आ रही है तो कई 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 तो कुछ भी नहीं कुछ लोगों का रिजल्ट आया कुछ भी नहीं याद भी नहीं हो सकता कोई डरदा झूठी बोली जाए हाँ जी आओ जी करते हैं जी करते हैं हो सकता कोई झूठ भी बोल दे हाँ जी करते हैं जी हाँ जी है ना रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिल रहा क्योंकि जो आत्मा का विषय है उन्हें नहीं पूरा कर पा रहे बोलो की है जो आत्मा का विषय उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे अब समझ आ रही है आत्मा का विषय पूरा नहीं कर पा रहे ए देखो ए बच्ची बैठी है ये बेबी नहीं बच्चा नहीं है एक दिन मैं ये गलबात की इन्हें तो नहीं दसिया बोलो इन्हें मैनू तो नहीं दसिया पर आत्मा दे वल्लों ही मेरे मन च इहदे लई अपने आप आया तो मैं इहदे नाल इहदे पति और इहदे नाल गल कीती कीती बोलो तो इन्हें कहा कि हाँ मेरा मन दोष लांदा है कि लगांदा बच्चे नू लैके मेरा मन दोष लांदा कि क्यों नहीं हो रहा ना ही इन्हें मेरे नाल गल कीती कि दसो मैं की करां किस तरह प्रार्थना करा जां जो सिख रहे हो उन्हां नू वो ध्यान च नहीं लियांदा बोलो की है अगर यदा मन इन दोष ला रहा और ये खराब मन लैके रोज प्रभु की हजूरी च बैठी केड़ा मन लैके खराब मन लैके बैठी है ना तो खराब मन दे नाल कुछ आएगा रिजल्ट हां उदास मन खराब मन लैके बैठे हो कि बैठे हो खराब मन उदास मन लैके बैठे हो जी हो जी पता नहीं समझ आ रही है शायद शायद मैं याद आ गया इन मैं पूछा फोन के उपर कोई वीडियो वाड़े तो नहीं वेखती ज्यादा कहती हाँ जी इन्हें फोन ने मैं की करता सी क्योंकि कभी कभी इधर उधर वेखते हैं तो बड़ा मन चाहेगा अच्छा जी मन मन की करेगा क्योंकि तेई तो परमेश्वर ने कहा जो मन है तो सब चीज़ों नालों की है कि देंदा तुहानू सब तो ज्यादा धोखा कौन तुहानू देंदा दिंदा कि नहीं दिंदा तुहाडा मन इसलिए कहिंदा सब तो ज्यादा राखी किहदी कर किहदी राखी कर क्या कि नहीं क्या कहिंदा सब तो ज्यादा राखी भी किहदी कर अपने मन दी कर समझ आ रही है तो सब तो ज्यादा राखी किहदी करनी तो ये शायद वेखवुख रही सी क्योंकि मन इहदा स्थिर उस चीज़ ते लई इहदा मन स्थिर नहीं सी बोलो यदा मन स्थिर स्थिर नहीं है है ना बोलो मन स्थिर स्थिर नहीं है तो अभी देख रही है इधर उधर शायद मन च पता नहीं की विचार आ रहे नहीं तो अभी होएगा कुछ नहीं होएगा जो तो मन स्थिर होएगा बोलो क्या होएगा तो फिर सारा कुछ ही हो जाएगा क्यों हो जाएगा जो तो मन तो स्थिर होएगा इसलिए मैं सच्ची देखता छुट्टियां छुट्टियां मैं खुद मेरा खुद प्रैक्टिकल चीज़ा मैं खुद इन्हों चीज़ों आत्मा च अनुभव करता जितों भी तुम उदासी च जाओगे तो जो प्रार्थना च बैठोगे तो मन तुम कई चीज़ों च दोष लगा रहा ना कई चीज़ा तुम उदासी च तुम आ तो रहे हो प्रार्थना च पर मन उदास है तो मन सोचा चल रही बड़ा कुछ इदा है जो तुम प्रार्थना च बैठोगे तेरा मन नहीं लगना
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਿਆ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਸਟਰੋਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿਆਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਹਿਆਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਹਿਆਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਲੋ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਆਬ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ ਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਆਤਮਾ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ? ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਪਰਿਪੂਰਨ। ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਬੈਠੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਸਟ, ਇਹ ਇਬਰਾਨੀਓ 4:2। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇ ਉਨਹੀਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਸੇ ਉਨਹੇ ਕੁਛ ਲਾਭ ਨਾ ਹੁਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋ ਕੇ ਮਨ ਮੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਹਮੇ ਉਨਹੀਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਚਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੋਚਣ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਹਮੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਬੀਜ ਮਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਕੁਝ ਪਥਰੀਲੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕੁਝ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਚੁਰਾ ਕੇ? ਪੰਛੀ ਮਤਲਬ ਪਏ ਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਕਿਨਾਰਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਥਰੀਲੀ ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਜੜ ਨਾ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਏ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਧਨ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 30, 60 ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? 30, 60 ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? 30 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? 60 ਕੇ? ਹਾਂ, 30, 60 ਕੇ 100 ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੈ ਨਾ? ਪਰ 100 ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜੋ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਉੱਪਰ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੋਲੋ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
अगर पहले दिन इंसान जान वाला द मन उस तरह का आया जितो परमेश्वर काम करता, अगर वो कर सकता तो साढ़े नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। पर कभी कभी उदासी संदे सोचा विचार कई कुछ भरिया रहा, भरिया रहा ना, इसलिए बंदा निराश रहा है और सोचता रहा, वो जिदा आया उदा ही चला जाता, जिदा आया वो उदा ही चला गया। पर जिद जिद अंदर प्यास आ जो सुन के कर रहा वो फल लेके आएगा, बोलो कि लैके आ जाएगा, वो फल लेके आएगा, फल समझने। फिर तुम वो पेड़ बन जाओगे जो नदी के किनारे लग गया, जिन्हें अपनी जड़ किच वधाई है, क्योंकि असी अपनी जड़ का मतलब असी कि वधना, फिर औड़ दे वेले पतझड़ दे वेले उस पेड़ नू कोई भी परवाह, तो फिर फल लियाउण तो लिखा रुकेगा, वह रुकेगा नहीं, सेम वो तुसी, फिर सब कुछ हुंदा रहेगा। ठीक है, तो तैयार हो फिर अज, हाँ कि योग चाल चलन लई, हाँ कि योग चाल चलनी, हाँ जो परमेश्वर चाहता फिर वो करना। इसने अपनी बुलाहट पर की देना ध्यान, क्योंकि ने कहा मैं जगत के मूर्खों तुच्छा नीचा चुन लिया जो कुछ भी नहीं, मैं जगत के मूर्खों से तुच्छा नीचा चुन लिया जो कुछ भी नहीं है, तो मैं उन्होंने द्वारा परमेश्वर कहते ज्ञानवाना मैं की कर दाँगा, लक्षित करता, की कर दाँगा बोलो, मैं ज्ञानवाना भी लज्जित कर दाँगा। पर कदों करांगा, जदों अपनी बुलाहट ते की देंगे ध्यान देंगे, की देंगे बोलो, जदों अपनी बुलाहट ते हो ध्यान देंगे, ध्यान क्योंकि ध्यान नहीं है, आए बैठे चले गए, हाँ जी प्रार्थना कर दो जी, की सुनिया उन्हों अपने जीवन च लैना, बोलो की है, चेले भुल गए प्रभु ने की करन दे लिए किया, हाँ अगर आराम दे नाल विश्वास रख दे, वो भी निधड़क होंदे के नहीं, तूफान आ रहा ते आवे साडे नाल कौन है, ते वो भी आराम नाल सौ जाते किस्ती च, की हो जाते कि जेड़ा सुत्ता उन्हों पता नहीं की हो रहा, हाँ पर उन्होंने इदा नहीं किया ना, यीशु मसीह ने झिड़किया उन्होंने, कहिंदा तुहाडा विश्वास कित्थे सी, उस समय तुहाडा विश्वास कित्थे सी, इसलिए अपने विश्वास नू प्रैक्टिकल च लियाना है, बोलो कि उन्हें प्रैक्टिकल च लैके आना है, देखो करके जब तक तुम देखोगे नहीं नहीं पता लगना तुहानू सामर्थ, बोलो कि हाँ। इसलिए सुलेमान की पुस्तक च एक जगह पर लिखा ना, दुखियारे दे दिन की रहनगे, दुखियारे दे दिन की रहनगे, दुख भरे, इदा लिखा ना नीति वचन 15:13, दुखियारे दे दिन की रहनगे दुख भरे, तो कहिंदा जिहड़ा समझ वाले का मन है वह ज्ञान की खोज रहेगा, दुखियारा तो अपने उत्ते मन ला के रखेगा, पर समझ वाले का मन लिखिया ज्ञान की खोज करेगा, किदी खोज करेगा, ज्ञान की खोज करेगा। तो करके देखो, कहीं देखो करके देखो, करके देखो, क्योंकि आनंद बोलो की है, जेड़ा आनंद साढ़े अंदर खुदा का होना बड़ा जरूरी है, बोलो कि आनंद होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो बस इनू प्रैक्टिकल करो, क्योंकि उस युग चाल चलना है असी कि उस परमेश्वर दे जिन्हें तुम अंधकार चो अपनी ज्योति च बुला लिया, और ये जीवन साढ़े कर्म बोलो साढ़े कर्म दे नाल किसी अच्छे अच्छे कर्म किए ती मिले, ये परमेश्वर की बख्शिश दया है जिन्हें तुम प्रेम किया और अपने कोल बुला लिया, तुसी कुछ नहीं किया बस तुम ने बुला लिया, बोलो कि कर लिया, पर हुण ध्यान देना है, कि देना बोलो ध्यान देना है, जिन्हें तुम बुलाया ना ध्यान देना, पत्रस भी तो अनपढ़ सी,
ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹਤ ਆ, ਮੰਨਿਆ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਚੇਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂਫਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ। ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਅਧਿਕਤਾ ਨਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਤ ਵਧੀਕ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਤ ਵਧੀਕ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਦਾਨੀਅਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਪੈਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਬੈਠੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਘਟੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੀਸ ਨੂੰ ਬੋਵੋਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਚਾਏਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਅਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਝ ਬੀਜ ਮਾਰੀ ਕਿਨਾਰੀ ਪਥਰੀਲੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਏ ਪਰ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਥਰੀਲੀ ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਛੜ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਏ। ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਛਾ ਬੀਜ, ਲਿਖਿਆ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, 30, 60 ਅਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਯੋਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੂ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਸ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਜੋ ਆਗਿਆ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਖੁਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੂਕਾ 18 'ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਦਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬਸ ਸਿੱਧ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ,
जो खुदा ने काम तुहाडे लई पूरा कीता तुसीं उहदा विश्वास करना, जो खुदा ने काम तुहाडे लई पूरा कीता मैं कहदा विश्वास करना है। यस, इवें विश्वास करना कि नहीं परमेश्वर, तेरा वचन कहिंदा तू मैनूं लज्जावान नहीं होण देगा, तू मैनूं शर्मिंदा नहीं होण देगा। यस खुदा, यस परमेश्वर, तू मैनूं लज्जावान नहीं होण देगा। थैंक यू जीसस करते हुए धन्यवाद करें उस खुदा का कि यस परमेश्वर तू मेरे लिए कर चुका है, कर चुका मेरे परमेश्वर। ओ रब्बा बाबा, यस पिता, यस 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 यस। अपनी निराशा को दूर करें, अपने मन की उदासी को दूर करें। बोलो कि परमेश्वर आप मुझे अपने आत्मिक आनंद से भर चुके हो, आप मुझे आत्मिक आनंद से भर चुके हो, मेरे आत्मिक बुद्धि को खोल चुके हो, मेरे मन के बोझ को खुदा जो मैं सोच रहा तू हल्का कर चुका है। यस खुदा, मेरे बंद मार्गों तू खोल चुका है, क्योंकि तूने कहा मैंने बड़ी शक्ति से इस काश और पृथ्वी को बनाया, और हे मनुष्य तेरा कोई काम मेरे लिए बड़ा नहीं है। बोलो परमेश्वर, तूने कहा तेरा कोई काम बड़ा नहीं है, और मेरी निराशा और बोझ खुदा वो तेरे वचन से भी ज्यादा भारी हो गया था, क्योंकि वचन बड़ा तू है, वचन तेरा बड़ा है, पर मैंने अपने हालात को, मैंने अपने बोझ को, अपनी उदासी को बड़ा बना दिया। इसलिए खुदावंद को कहो कि परमेश्वर मुझे आज माफ कर, क्योंकि बड़ा तू है, वचन बड़ा तेरा वचन है, पर मैंने अपनी उदासी, अपने बोझ को, अपने हालात को बड़ा बना दिया। इसलिए खुदा मुझे माफ कर, ताकि मैं उस रीति से विश्वास करके, तेरी इच्छा को पूरा करके, तेरा वचन कहता तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यस खुदा, एक समय जैसे तेरे दास अब्राहम ने भी अपनी निराशा में बढ़कर आशा रखी और तेरी कही हुई बात की प्रतीत की, तेरा वचन कहता हूं वो अविश्वासी होकर फिर उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, ना सारा की मरी हुई गर्भ और ना अपने मरे हुए शरीर की दशा को देखकर अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, और निश्चय जाना कि जो बात उसने कही है उसे पूरा करने में वो सामर्थी है, जिस बात को उसने कहा उसे पूरा करने में वो सामर्थी है, और तू निश्चय परमेश्वर उस बात को पूरा करने का सामर्थी है। यस खुदा, तू उस बात को पूरा करने का, मुझे हील करने का, मुझे ब्लेस करने का, मुझे चंगा करने के लिए तू सामर्थी है परमेश्वर, तू सामर्थी है, और तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू मुझसे करवा सकता है, मुझसे घंटों प्रार्थना करवा सकता है खुदा, अपनी इच्छा मुझसे पूरी करा सकता है। यस खुदा, तू करा सकता है, जो मैं नहीं कर सकती आप मुझसे करा सकते हो, आप मुझसे परमेश्वर करा सकते हो, और निश्चय आस जो मैंने सुना खुदा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आ चुका है। आज से मैं तेरे योग्य चाल चलूंगी, तेरे योग्य चाल चलूंगी, क्योंकि ये जीवन हमारे कर्म से नहीं, तेरा वचन कहता तेरी दया से, तेरे प्रेम से मिला, क्योंकि तूने मुझे मेरी मां के गर्भ से रचने से पहले ही मुझ पर चित लगाया, पहले ही तूने मुझ पर चित लगाया और तूने मुझे अपने राज में बुलाया। इसलिए खुदावंद आज मैं तेरी बातों पर चित लगाऊंगी, तेरे वचनों पर चित लगाऊंगी, मैं निराशा पर, हालातों पर नहीं, तेरी बातों पर मन लगाऊंगी जो मुझे आनंद से, उत्साह से भरती हैं। निश्चय उन बातों से तू मुझे अपने उत्साह से, अपने आनंद से और अपने प्रेम से आज स्वर्ग से भर चुकी हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।